टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्यों होता है, तो उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी सेकेंड पार्ट का है। तो चलिए देखिए, लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव, व्हाई? तो लैक्टिक एसिड का जो सूत्र होता है वह होता है CH3CHOHCOOH। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट इन लैक्टिक एसिड ओनली वन सिमेट्रिकल कार्बन एटम, सो ऑप्टिकली आइसोमर्स इज टू, हेंस लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब कह रहा है कि लैक्टिक एसिड में ऑप्टिकली कार्बन की संख्या जो होती है, एसिमेट्रिकल कार्बन की संख्या वो जो होती है वह एक होती है, क्योंकि यहाँ देखिए स्टार से है, स्टार से दर्शाया गया है जो कि एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है। तो एसिमेट्रिकल कार्बन एटम को हम लोग स्टार से दर्शाते हैं, लैक्टिक एसिड में वो एक स्टार है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो ट्रिक जो होता है वह मर्स की संख्या जो होती है वह 2^n होता है, जहां n बराबर जो होता है नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है। तो इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है लैक्टिक एसिड में वह क्या होगा, तो उसको दर्शाएंगे तो 2^2^1 इक्वल टू 2। तो इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या 2 होगी, जिसको हम लोग डी फॉर्म और एल फॉर्म लिखते हैं। तो डी फॉर्म जो होता है वह एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, यानी कि आईना में जो दर्पण में जो जैसा चित्र बनता है वैसा होता है। तो यहाँ देखिए लैक्टिक एसिड यहाँ डी फॉर्म में है ना, यहाँ एल फॉर्म में है, डी फॉर्म में है, ये एल फॉर्म में है। इसीलिए लैक्टिक एसिड जो है वह ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विजार्ड, ऑलवेज विथ यू। और आप सभी और अभी ऐसे वीडियो को देखना चाहते हैं जो कि बीएससी में आप लोगों को मदद। थैंक्स फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विजार्ड, ऑलवेज विथ यू। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।